हमने लक्ष्य बनाया कि हमारी बहनों को इलाज के लिए दूर ना जाना पड़े। हमने तय किया कि किसी गरीब को पैसे के अभाव में अपना इलाज न टालना पड़े। हमने प्रयास किया कि हमारे गरीब परिवारों को भी घर के पास ही बेहतर इलाज मिले। साथियों, मैं जानता हूं कि इलाज के लिए पैसे ना होना गरीब की कितनी बड़ी चिंता होती है, इसलिए हमारी सरकार ने 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान योजना शुरू की। मैं जानता हूं कि महंगी दवाइयों से गरीब और मध्यम वर्ग कितना परेशान होता है, इसलिए हमारी सरकार ने 9000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खोले। इन केंद्रों पर सैकड़ों दवाइयां सस्ते में उपलब्ध कराई। मैं जानता हूं हार्ट के ऑपरेशन में, घुटने के ऑपरेशन में गरीब और मध्यम वर्ग का कितना ज्यादा खर्च हो रहा था, इसलिए हमारी सरकार ने स्टेंट की कीमतों को नियंत्रित किया, नी इम्प्लांट की कीमतों को नियंत्रित किया। मैं जानता हूं कि जब गरीब को डायलिसिस की जरूरत होती है तो वो कितना परेशान होता है, इसलिए हमारी सरकार ने हर जिले में मुफ्त डायलिसिस वाली योजना शुरू की, लाखों लोगों को इसका फायदा पहुंचाया। मैं जानता हूं गंभीर बीमारी का समय से पता लगना कितना जरूरी होता है, इसलिए हमारी सरकार ने देश भर में 1.5 लाख से ज्यादा हेल्थ और वेलनेस सेंटर खोले हैं, वहां जरूरी टेस्ट की सुविधा दी है। मैं जानता हूं कि टीबी की बीमारी कितने दशकों से गरीबों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है, इसलिए हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत योजना अभियान शुरू किया। हमने बाकी दुनिया से 5 वर्ष पहले ही भारत को टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। मैं जानता हूं कि बीमारी किस तरह गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार को बर्बाद कर देती है, इसलिए हमारी सरकार ने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर फोकस किया। बीमार हो ही नहीं, बीमारी आए ही नहीं, इस पर फोकस किया। योग, आयुर्वेद, फिट इंडिया अभियान चलाकर हमने लोगों की निरंतर सेहत के प्रति जागरूक किया है। साथियों, आज जब मैं सरकार की इन योजनाओं की सफलता देखता हूं तो खुद को धन्य मानता हूं कि गरीब की इतनी सेवा करने का परमात्मा ने और जनता जनार्दन ने मुझे आशीर्वाद दिया। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आज देश के करोड़ों गरीबों का बहुत बड़ा संबल बनी है।